हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन सो फ्रेंड्स मार्केट में ओप्पो कंपनी लगातार अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को तो उतार ही रही है इसके साथ ही दोस्तों ओप्पो कंपनी लगातार अपने लो प्राइस स्मार्टफोन को भी मार्केट में उतार रही है तो दोस्तों अब इसी बीच ओप्पो कंपनी एक बार फिर से अपना एक और लो प्राइस स्मार्टफोन लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तों लीक्स डिटेल के मुताबिक ओप्पो कंपनी जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो ए सेवेंटी को लेकर आ रही है जो की दोस्तों कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा लो प्राइज स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कराने वाली है और इसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसके डिजाइन भी बढ़िया होने वाला है सो so फ्रेंड्स इस स्मार्टफोन की लगभग सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन और स्मार्टफोन की पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन इसके फीचर्स इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों यदि आप एक बढ़िया और अच्छे ओप्पो कंपनी के स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों बने रही आप इस वीडियो में एंड तक और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ तो दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के बैक पैन के बारे में तो दोस्तों स्मार्टफोन आपको कंपनी ड्यूएल रियर कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराने वाली है जो की सिंपल कैमरा डिजाइन के साथ आएगा और इसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल के ऊपर आपको पंच सोल कट आउट वाली नोट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो की बिल्कुल पतले बेजल्स के साथ आएगी और दोस्तों स्मार्टफोन कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा लाइटवेट स्मार्टफोन होने वाला है है फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन आपको कंपनी छह पॉइंट छप्पन इंच की फुल एच डी डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है जो की सोलह सोगना सात सौ सो बीस पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आएगी और इसका रेशियो अनुपात होगा और इसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट का विस्फोट मिलेगा तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा इस स्मार्टफोन आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है और इसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों डिस्प्ले मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा कैमरा सेंसर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जैसा की मैंने आपको पहले बताया स्मार्टफोन आपको सिंपल कैमरा डिजाइन के साथ ड्यूएल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे जिसमें आपको तेरह मेगा और दो मेगा का रियर कैमरा और आठ मेगा का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा तो दोस्तों स्मार्टफोन आपको कैमरा सेंसर इतने ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन दोस्तों जिस प्राइस सेगमेंट में स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में उतारेगी उसके हिसाब से दोस्तों स्मार्टफोन आपको ठीक ठाक कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों अगर बात तो की जाए स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में तो दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी छह जीबी रैम के उतारेगी जिसके साथ आपको एक सौ अठाईस जीबी का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा ओप्पो कंपनी स्नैपड्रैगन का चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है जी हाँ दोस्तों स्मार्टफोन कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन ड्रैगन छह सौ अस्सी का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 11 ओबी सिस्टम के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको स्मार्ट फोन स्नैप्रैगन का, तो स्नैप का बढ़िया और मिलेगा की रियलमी कंपनी ने रियलमी नाइन आई स्मार्टफोन आपको यही चिपसेट प्रोवाइड कराया है तो दोस्तों स्मार्टफोन आपको अगर बार स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलेगा और दोस्तों स्मार्टफोन कंपनी का एक फोर जी स्मार्टफोन होने वाला है और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी तैतीस वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली पांच हजार की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराने वाली है तो दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी तैतीस वाट का मिल जाएगा और इसके अंदर आपको दोस्तों बैटरी भी पावरफुल मिलेगी जिससे दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको बढ़िया और अच्छा लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन आपको सभी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे और दोस्तों अगर इसके कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन आपको थ्री पॉइंट फाइव mm, एम एम ओडियो जाएगा यूएसबी टाइप सी पोर्ट ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे तो दोस्तों ये स्मार्टफोन कंपनी का एक बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है यदि आप एक लो प्राइस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट में इस स्मार्टफोन को कंपनी लगभग पंद्रह हजार रूपये से कम कीमत में उतारने वाली है तो दोस्तों आपका स्मार्टफोन कैसा गा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ना भूलें धन्यवाद